गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वैक्यूल्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज हैं, स्टोरेज ऑर्गेन है। ठीक है, और ये क्या स्टोर करके रखते हैं? स्टोरेज सेक है ये। और क्या स्टोर करते हैं? फॉर सॉलिड और लिक्विड कॉन्टेंट्स। ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं। किसमें? स्मॉल साइज होते हैं इन एनिमल सेल में, छोटे छोटे साइज में होते हैं। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो हैव लार्ज वैक्यूल्स, इसमें बड़े होते हैं, वेरी लार्ज होता है। ठीक है, अगर देख ले तो 50-90% जो होता है वो वॉल्यूम, जो सेल वॉल्यूम है उसमें क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स होते हैं 50-90%। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? वैक्यूल्स का फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल अगर आप देख लो तो क्या होता है? इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्या प्रोवाइड करता है ये? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। ठीक है, टर्जिड होता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। प्लांट सेल को टर्जिड और रिजिड होना जरूरी है। हमने पहले ही बताया हुआ था कि प्लांट को क्या होता है, बहुत सारा नेचुरल जो कंडीशंस होते हैं सबको टॉलरेट करना पड़ता है ना, तो उसको टर्जिड और रिजिडिटी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब वैक्यूल्स का अगर हम देख लो तो बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइफ के लिए होता है वो भी स्टोर होता है किसमें? वैक्यूल्स में। जैसे कि अगर हम एमिनो एसिड्स की बात करें, ठीक है, सुगर्स की बात करें, और बहुत सारा है ऑर्गेनिक एसिड्स है, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये भी स्टोर किस में रहता है? स्टोरेड इन वैक्यूल्स, इसमें स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा पढ़े हो, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल से बनता है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है जी? सिंगल सेल से बनता है, उसी को हम लोग यूनिसेलर बोलते हैं। ठीक है, एक ही सेल से बनता है तो यूनिसेलर, बहुत सारे सेल से बनते हैं तो मल्टी सेलर, वी आर मल्टी सेलर, हम लोग तो मल्टी सेलर हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स इसमें भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट काम करता है। फूड वैक्यूल्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं और जो फूड अमीबा लेता है उसके डाइजेशन में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, और इस और किस चीज में हेल्प करते हैं? तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, इसको एक्सपेल करने में भी मदद करता है किसमें? अमीबा में। कौन? वैक्यूल्स। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हो जाता है? एक्सेस वाटर जो होता है वो और वेस्ट जो होते हैं वो एक्सपेल हो जाते हैं। तो ये था तुम्हारा फूड वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए जितने भी ऑर्गेनेल्स थे हम लोग सबको पढ़ लिए ना बारी बारी से। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्गेनेल पढ़ा है एक बार रिव्यू करो कि ऑर्गेनेल पढ़ा क्या क्या था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, गोल्जी अपरेटस पढ़ा था, है ना, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? लाइसोजोम्स पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा हमने? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा हमने? प्लास्टिड्स पढ़ा हमने, और फिर क्या पढ़ा हमने? वैक्यूल्स पढ़ा। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनेल्स को हमने क्या किया? बारी बारी से इसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, और सेंटर में तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियस को तो पढ़ा ही था। हमने क्या सब पढ़ा था? साइटोप्लाज्म पढ़ा था, बहुत सारे चीज पढ़े थे उसके अंदर में, ये सारे हमने ऑर्गेनेल्स को पढ़े थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब एक क्लास हम लेंगे जिसमें हम सेल डिविजन्स के बारे में बताएंगे, तो फिर ये लेसन तुम्हारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर जरूर करें। बाय बाय।